सर कशिश फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है, आप यहाँ पर आप पार्ट रहे हमारे इसके, तो बताना चाहिए कैसा रहा एक्सपीरियंस? देयर इज़ अ लॉट ऑफ गेस्ट जो अनुप सोनी आया, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की एलजीबीटी के ऊपर जो फिल्में दिखाई जाने वाली, व्हाट डू यू से अबाउट हाउ इज योर एक्सपीरियंस? सो हमने ये फेस्टिवल जो है 14 साल पहले शुरू किया था 2010 में, एक छोटे से थिएटर में, पीवीआर में, एक 125 सीटर था, एंड बढ़ते बढ़ते इतने सारे क्राउड आए कि हमें बिल्कुल बड़ा थिएटर लेना पड़ा। लिबर्टी सिनेमा में हम 2014 से कर रहे हैं, एंड दिस इज द 14th एडिशन ऑफ कशिश मुंबई इंटरनेशनल कुए फिल्म फेस्टिवल। सो दिस इज द फर्स्ट एवर फिल्म फेस्टिवल विच इज़ हेल्ड इन द मेन स्ट्रीम थिएटर, मतलब जहाँ पे आम आदमी लोग आ सकते हैं, नॉट जस्ट एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, हमारे जो दर्शक है 30% ऑफ नॉन एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी मेंबर्स, वो लोग अपने देन दे टेक बैक समथिंग विच इज़ यूनिक फॉर देम, बिकॉज फॉर देम इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस लर्निंग अबाउट एलजीबीटीक्यू लाइव्स। सो इट्स बीन डूइंग दिस, एंड दिस ईयर इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक बिकॉज वी हैव फैंटास्टिक जूरी मेंबर्स, वी हैव अनूप सोनी जी, लिलेट दुबे, एंड अतिका चौहान, नंदन सक्सेना, सो मेनी ब्रिलियंट पीपल वो कम ऑन जूरी दिस ईयर, वी गोइंग टू मीट ऑल ऑफ देम टुडे। सो कशिश में इस बार बहुत नया है कि मजामा जो फिल्म माधुरी दीक्षित वाला वो हम दिखाने वाले कशिश में, एंड ऑल्सो वी आर शोइंग 110 फिल्म फ्रॉम 46 कंट्रीज दिस ईयर एट लिबर्टी सिनेमा एंड अलियांस फ्रांस से। सो हमारा हमेशा ये कोशिश रहा है कि हम एंटरटेनिंग फिल्म भी दिखाएँ और ऐसे फिल्म दिखाएँ जो मन के दरवाजे को खोले, दैट्स द बेसिक थिंग। वी ट्राई टू शो बोथ काइंड्स ऑफ फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते हैं, फीचर फिल्म दिखाते हैं। सो अभी तक तो हम वी आर द फर्स्ट एवर एलजीबीटीक्यू फिल्म फेस्टिवल टू गेट ए INB क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री सेइंग दैट आप ये फेस्टिवल कर सकते हैं, तो वैसे ही 14 साल से कोशिश रहा, इस साल देखते हैं। एंड अभी तो 2018 में तो सेक्शन 377 हटाया गया है जो क्रिमिनलाइज करता था होमोसेक्सुअलिटी को, अभी मैरिज इक्वालिटी के ऊपर बहुत बहस चल रही है, सेम सेक्स मैरिज के ऊपर, लड़का लड़की औरत शादी कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, तो अभी उसका नतीजा जो आएगा जून में आएगा, होपफुली इट बी पॉजिटिव वर्डिक्ट, वी जस्ट होपिंग। मैं और मेरा पार्टनर भी पेटिशनर्स है, वी ऑल्सो पेटिशन बिकॉज वी बीन टुगेदर फॉर 28 ईयर्स, साथ में रहे हैं, बट हमें शादी करने का अभी तक मौका नहीं मिला है, तो अभी होपफुली ये कोर्ट का जजमेंट आएगा तो हम भी शादी कर सकते हैं, आम आदमी की तरह जिंदगी गुजार सकते हैं और बेसिकली अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। मिक्स भी बोल सकते हैं। कशिश फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है एंड आप यहाँ पर, हम सभी यहाँ का, वैसे शुरुआत नहीं हुई है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कॉन्फ्रेंस है, तो आप बताइए कि कितने एक्साइटेड होते हैं, ढेरों सारी फिल्में दिखाई जाने वाली हैं, आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं? यू नो श्रीधर मुझे बहुत सालों से बुला रहा है इस जूरी पे रहने के लिए, एंड समहाउ द अदर आइदर वाज शूटिंग या मेरा कोई प्ले था, थिएटर शो था, कुछ ना कुछ था, मैं यहाँ थी नहीं, नहीं कर पाई, तो इस बार मैंने अपने आप को कहा था कि मैं कुछ भी हो जाए मैं ज़रूर इस जूरी पे रहूँगी, बिकॉज आई वॉज़ रियली वेरी वेरी इंटरेस्टेड एंड कीन टू सी कि कौन सी किस टाइप की फिल्में इसमें आती हैं। वैसे आई थिंक मेरी फिल्में भी आई हैं इसमें पर सो आई वॉज़ रियली एक्साइटेड और मैंने टाइम निकाला कि मैं कुछ भी हो जाए मैं यहाँ रहने वाली हूँ इसके लिए, एंड इट वॉज़ अ रियली बहुत ही सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस, इट वॉज़ अ आई ओपनर। ये पूरी दुनिया है इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं और जो जानते भी हैं ठीक से समझते भी नहीं हैं, यू नो ये नॉलेज जो है बहुत आधा अधूरा है। सो आई वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टेड, एक्साइटेड ऑफ कोर्स, बट ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड टू नो वॉट सॉर्ट ऑफ फिल्म्स पीपल इन दिस स्पेस आर मेकिंग, एंड सम ऑफ दीज फिल्म्स आई मस्ट टेल यू, मतलब दे आर लाइक मेन स्ट्रीम, कहीं भी दिखा सकते हैं कोई भी फेस्टिवल में, स्पेशली उसके बारे में नहीं है। जो बढ़िया फिल्म होती है ना वो फिल्म होती है जो रिश्तों के बारे में बात करती है। अब उस रिश्ते में वो किस बैकग्राउंड पे है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो अलग बात है, यू नो, बट वी आर इंटरेस्टेड इन कैरेक्टर्स, उनकी लाइफ, उनके दुख सुख और उनके रिलेशनशिप्स। सो अ गुड फिल्म doesn't matter what the theme is. मैं किसी की हिस्ट्री की भी, जब हम हिस्टोरिकल फिगर्स के भी बनाते हैं, हम इंटरेस्टेड हैं उनके पर्सनल लाइफ से, है ना, भगत सिंह हो या जो भी हो, उनके लाइफ में क्या हुआ, मिल्खा सिंह के लाइफ में क्या हुआ, उनके रिश्ते क्या थे, उनके स्ट्रगल्स क्या थे, इसके बारे में। वो बने एक बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन, ये तो इट्स द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी।
सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारी फिल्में इसमें रिलेशनशिप्स के बारे में हैं और उनके सुख दुख और वो यू नो सो आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं, आप ये नहीं फील करते कि ये लोग ये हमसे बहुत डिफरेंट हैं, क्योंकि नहीं है डिफरेंट रियली स्पीकिंग। और एक बहुत खूबसूरत लाइन है जो एक कैरेक्टर कहता है कहती है आई थिंक वो ना चर्च में शादी करना चाहती है और वो ट्रांसजेंडर है, सो ये कैथलिक चर्च है, तो कैथलिक चर्च में प्रीस्ट कहता है कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, तुम एक आदमी से शादी करना चाहती हो, तुम ट्रांसजेंडर हो, तो क्योंकि ये भगवान के लॉज हैं, गॉड के लॉज हैं और हम उसको तोड़ नहीं सकते और ये वो यू नो मामला, तो वो सिर्फ एक चीज़ बोलती है, वो कहती है कि क्या मैं गॉड की बच्ची नहीं हूँ, उन्होंने तो मुझे बनाया है, सो अगर ये सब गॉड के लॉज हैं, हम सब गॉड के बच्चे हैं, तो मैं कोई उससे अलग तो नहीं हूँ ना, मैं भी तो गॉडी की बच्ची हूँ, तो वो चुप हो जाता है, उसका क्या आंसर दे। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, वो कैसे लड़ती है और ट्रू स्टोरी है कि नहीं मैं तो चर्च में ही शादी करके रहूँगी और बहुत ही उसका परफॉर्मेंस भी बहुत बहुत प्यारा था। सो एनीवे आई रियली एंजॉयड माय सेल्फ एंड आई वुड सजेस्ट दैट यू ट्राई एंड गो एंड सी मैनी ऑफ दीज फिल्म्स बिकॉज दे आर आई ओपनर्स और दिल को छू देते हैं बिल्कुल। मैं तो दो तीन में बहुत ओवरवेलम्ड हो गई फिल्म में, मोर देन मैनी अदर फिल्म्स। सो आई वुड से प्लीज़ जितने आप पकड़ सकते हैं, कैच कर सकते हैं, जाके देखिए। और आई थिंक श्रीधर और सागर वगैरह एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं सबको ये फिल्म्स दिखाकर। थैंक यू जी। आपके फिल्म से शुरुआत होने वाली है, कंटेस्ट फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत है, बहुत ही अप्रिसिएशन आपका, काफ़ी तारीफ मिल रही है, कौन के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हमने सुना है कि एलजीबीटी के स्टार कास्ट हैं एंड बहुत ही तारीफ हो रही है, एंड कितना प्रेशर है क्योंकि आपके फिल्म से स्टार्ट होने वाला है कंटेस्ट फिल्म फेस्टिवल। प्रेशर तो ये खुशी है कि मेरा फिल्म से कंटेस्ट फिल्म फेस्टिवल का ओपनिंग है। पाइनकोन अभी कोविड के पहले फिल्म आया था, अभी बहुत दिन बाद रिलीज हो रहा है और कशिश से स्टार्ट हो गया, इससे मुझे बहुत खुशी है क्योंकि ये फिल्म जो है एक गे लव स्टोरी है जो एक क्वीर फिल्म फेस्टिवल पे इस माहौल पे रिलीज़ होना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, बिकॉज आई वांट टू रियली सी या ऑडियंस हाउ या कैसे अपनाते हैं फिल्म को, क्योंकि उनके बारे में अपने बारे में ये फिल्म है। सो आई एम एक्साइटेड अबाउट इट, एक्साइटेड ऑल्सो ये परहैप्स फर्स्ट मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म होगा जहाँ पर जो मेन लीड है वो आउट एंड प्राउड क्वीर है, विदुर सेठी जो दिल्ली में थिएटर आर्टिस्ट है, सो वो मेन लीड प्ले कर रहा है, वो भी क्वीर एक्टर है, तो इसीलिए आई एम क्वाइट वेरी एक्साइटेड कि अपार्ट फ्रॉम हिम आई एम इंट्रोड्यूसिंग 5 न्यू एक्टर फिल्म पे different parts of India, से कोई दिल्ली से हरियाणा कश्मीर एंड बंगाल, तो इंडस्ट्री में हमेशा लोग बोलते रहते हैं कि नेपोटिज्म, नए लोगों को चांसेस नहीं मिल रहा है, लेकिन इस फिल्म पे 5 ऐसे किरदार हैं जो अलग अलग स्टेट्स से, बॉम्बे में से भी कोई नहीं, सब अलग अलग जगह से हैं और आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एंड आई एम होपिंग कि ऑडियंस भी उन्हें उतना ही प्यार दें। अभी तो पहले कुछ मंथ्स दुनिया भर के अलग अलग जगह में फेस्टिवल्स पे जाएगा फिल्म, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में हम रिलीज़ प्लान कर रहे हैं। थैंक यू जी।